नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत दिलचस्प जानकारियां लेके आया हूं। जी, आने वाली 1 तारीख से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के लोधी गार्डन में 100 अलग अलग प्रकार के पेड़ों पर QR स्कैनर चिपकाए जाएंगे। जी, इनका क्या आपको बेनिफिट होगा? जी, आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, मेरे मन में भी ये आया था। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आप अपने फ़ोन से इस QR स्कैनर को स्कैन करेंगे, उसी समय आपके फ़ोन में इस पेड़ की अलग अलग जानकारियाँ उसी समय आपके फ़ोन में दिखाई देंगे, जैसे कि इसका वैज्ञानिक नाम, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, और ये कब फल देता है, और इसका हमारी चिकित्सा में क्या योगदान है, और भी बहुत सारी जानकारियाँ आप इस स्कैनर के थ्रू जान पाएंगे। और जैसे कि लोधी गार्डन की कुछ अलग विशेषताएं भी आपको बताना चाहूँगा। यह गार्डन 90 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ का सबसे जो लंबा पेड़ है उसकी कुल लंबाई, जिसका नाम बुद्धा कोकोनट है, 35.5 मीटर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह अपने आप को चौकीदार कहा? जी, आपने सही सुना। आइए जानते हैं। गुरुवार को धर्मशाला में आयोजित अपनी रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जिन्हें धन लूटने की आदत थी, आज वो देश के चौकीदार से डरे हुए। उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लेते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने इसी समय किसानों के हित के बारे में भी बहुत कुछ जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने पेप्सी कोला जैसी ड्रिंक्स निर्माता कंपनियों के साथ वार्तालाप की और उन्हें अपने ड्रिंक्स में 5% फलों का रस उपयोग करने की सलाह भी दी है।